नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव बंसल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गर्ल्स टॉक मार्ट में। अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है आपकी फिल्म सिटी को लेके, मैं आपको बताता हूं क्या लेटेस्ट न्यूज है। योगी आदित्यनाथ के सपनों को पूरा करने सामने आई 20 इंटरनेशनल कंपनियां, 16 सितंबर को लगेगी अंतिम मोहर। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फार्मूला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमुना फिल्म सिटी में भी अपनाएंगे। जिस फार्मूले पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, अब उसी हाइब्रिड फाइनेंशियल मॉडल पर फिल्म सिटी बसाई जाएगी। करीब 1000 हेक्टर में बसाई जा रही फिल्म सिटी के पहले चरण पर 6000 करोड़ खर्च होंगे। देश विदेशी 20 कंपनियां शामिल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनने वाली देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी को लेकर यमुना अथॉरिटी ने तैयारी तेज कर दी है। फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर यमुना अथॉरिटी की ओर से निकाले गए ग्लोबल टेंडर में अभी तक देशी विदेशी 20 कंपनियां शामिल हुई हैं। फिल्म सिटी को लेकर 7 नवंबर को लखनऊ में प्रीविल मीटिंग होगी, जिसमें औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव MSME, यमुना अथॉरिटी के CEO समेत कई अफसर प्रीविल में शामिल होंगे। 16 सितंबर को होगा कंपनी का चयन। यमुना अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी का ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद अभी तक फिल्म सिटी के निर्माण के लिए देश विदेश की 20 कंपनियों ने टेंडर में शामिल हो चुके हैं। आगामी 7 नवंबर को होने वाली प्रीविड में सुझाव और आपत्तियों पर डिस्कशन होगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद 16 दिसंबर को फिल्म सिटी का फाइनल बिड ओपन हो जाएगा। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बसाने का सपना जल्द पूरा हो सकेगा। यहां पर तमाम तरह की फिल्म सिटी की शूटिंग से लेकर स्टूडियो आदि सभी सुविधाएं एक ही छत के तले हो शूटिंग के लिए तैयार होगी फिल्म सिटी। फिल्म सिटी को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में फिल्म निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। इसके तहत फिल्म स्टूडियो, खुला एरिया, एम्यूजमेंट पार्क, विला आदि विकसित किए जाएंगे। 120 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क, 20-20 एकड़ में फिल्म स्टूडियो बनेंगे। पहले चरण के 80% हिस्से में केवल फिल्म से जुड़े निर्माण कार्य किए जाएंगे, ताकि पहला चरण पूरा होते ही फिल्म शूटिंग शुरू हो सके। फिल्म सिटी के दूसरे चरण में हॉस्पिटलिटी, रिजॉर्ट और व्यवसायिक गतिविधियों को विकसित किया जाएगा, ताकि शूटिंग में आने वाले लोगों को सहूलियत मिले, साथ ही इनमें जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा मिले। तीसरे और अंतिम चरण में रिटेल डेवलपमेंट होगा। इस चरण में बचे हुए सारे काम किए जाएंगे। बेटा इन्वेस्टमेंट है, मैं तभी कहता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और कंपनियाँ आ रही हैं। कितनी अच्छी आपकी फिल्म सिटी आ चुकी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बन ही रहा है, आपका आने वाला फ्यूचर आपका 2-फेज मेट्रो भी है, आपकी बुलेट ट्रेन भी है आपकी। देखो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। इसके अलावा किसी भाई को कोई भी आपका कोई भी क्वेरी हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मेरे नंबर पर मुझे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अब मैं मिलूंगा आपको नई न्यूज़ के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ अपनी अगली वीडियो में। अभी तक मैं आपसे धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।